हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी और यूनिक है। ये फुल ऑफ वेजीज है और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। इसमें ऑयल बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बोल में आपको लेनी है 2 कप सूजी, 1 कप दही, 1 कप पानी और स्वाद अनुसार नमक। इन सारी सामग्री को मिला के आपको एक पेस्ट बना लेना है जैसा वीडियो में दिखाया गया है। घोल अब हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब एक दूसरे बॉल में हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। हमारा पनीर अब ग्रेट हो चुका है। इसमें आप अपने चॉइस की कोई भी सब्जी मिला सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये देखिए, हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है और ये सब्जियों की वजह से देखने में कितनी रंग बिरंगी दिख रही हैं। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को ग्रीस करेंगे और मिक्सर में से छोटे छोटे पेड़े बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह आपको स्टफिंग से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अब हमें अपने इडली स्टैंड को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच खाने का सोडा और 2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इडली के सांचों में थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। उसके बाद हमें स्टफिंग वाले पेड़ों को इनके ऊपर बड़ी ही सावधानी से रख देना है। पेड़ों को रखने के बाद एक स्पून की सहायता से इसको बहुत हल्के से नीचे की तरफ प्रेस करें। इन पेड़ों के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसको अच्छे से कवर कर देना है।
मैंने अपने इडली के कुकर को पहले ही चढ़ा दिया था। अब पानी बॉयल हो रहा है, अब इस ट्रे को अपने कुकर में प्लेस कर देंगे। अब हमें इन इडलियों को 10 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब आइए अपनी इडली को चेक करते हैं। हमारी इडलियां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए इसको सांचे से निकाल लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। इसी तरह हम सारी इडलियों को सांचे से निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इडली बनकर तैयार है। ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही हेल्दी है। मैं आपको एक इडली काट के दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्टफ्ड पनीर इडली बिल्कुल बनकर तैयार है, जो कि बहुत हेल्दी और खाने में बहुत यमी है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।